हेलो गाइस, आई एम नेहा तो स्टार्टिंग विद द सीरीज ऑफ़ केस लॉज जिसमें आई विल बी शेयरिंग टेन केस लॉज मे बी पर डे और ऑन अल्टरनेट डेज तो लेट्स स्टार्ट विद इम्पॉर्टेंट केस लॉज ऑफ़ सीआरपीसी। ठीक है तो फर्स्ट केस है आपका डीके के बसु वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल जिस जिस केस में बात की गई थी राइट ऑफ अरेस्टेड परसन्स की ठीक है सेकेंड केस है मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह पानो बेकम ठीक है जिसमें बोला गया था कि जो सेक्शन 125 है ठीक है वो सारे रिलीजन को ही एप्लीकेबल होगा ठीक है इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल इरिस्पेक्टिव ऑफ़ देयर रिलीजन ठीक है अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार जिसमें बोला था द डायरेक्शन टू इंश्योर दैट पुलिस ऑफिसर्स डू नॉट अरेस्ट अननेसेसरली एंड मजिस्ट्रेट्स डू नॉट ऑथराइज डिटेंशंस कैजुअली ठीक है मतलब पुलिस वाले जो है किसी को भी बिना रीजनिंग के अननेसेसरीली अरेस्ट नहीं कर सकते ना ही मजिस्ट्रेट किसी को डिटेंशन में रख सकता है कैजुअल बेसिस पे ठीक है मधु लिमाई वर्सेस एस टी एम मंगारे इसने बोला था कि सेक्शन 144 जो है ये केस हेल्ड किया था सुप्रीम कोर्ट ने बोला था इसमें कि सेक्शन 144 ऑफ सी आर पी सी इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड देन केस आता है स्टेट ऑफ ओरिसा वर्सेस जेबेंद्र नाथ पढ़ी ठीक है द प्रिंसिपल दैट अक्यूज कैन नॉट एट द स्टेज ऑफ फ्रेमिंग चार्ज इन वोक सेक्शन नाइन्टी वन ये बोला था इस केस में गुलाम अब्बास वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी ये क्वेश्चन कई बार ही आता है यूपी के एग्जाम में आता है उत्तराखंड में आता है दिस सेम क्वेश्चन दैट ऑर्डर अंडर सेक्शन वन फोर्टी फोर वन फोर्टी फोर किसका सी आर पी सी का ठीक है अभी जो सेक्शंस हम इसमें आ रहे हैं ना वो सब सीआरपीसी के आ रहे हैं क्योंकि सीआरपीसी से रिलेटेड है जहाँ दूसरे किसी एक्ट का आएगा तो आई विल टेल यू तो इसमें बोला था कि ऑर्डर अंडर सेक्शन 144 फोर्टी फोर इज एम टू रिट जो ऑन वायलेशन ऑफ एनी फंडामेंटल राइट्स ठीक है फंडामेंटल राइट right का वायलेशन नहीं होना चाहिए सेवन में बोला था कि ललिता कुमारी वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी है ना ये जो केस है इसमें एफ को बोला गया था कि एफ जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है एक तरीके से मैंडेटरी बोला गया था इसमें तो ये सबसे इम्पोर्टेंट केस है एफ का ये आता है क्वेश्चन कई बार एग्जाम में सी मंगेश वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि एफ़ आई आर वॉज नॉट सब्सटेंटिव एविडेंस एंड कुड ओनली बी यूज टू करैबरेट इट्स मेकर मतलब जो एफ आई आर है वो सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं है अपने आप में ठीक है बट हाँ क्रैबरेट करने में या सपोर्ट करने में एविडेंस को ये हेल्प करता है देन जहीरा हबीबुल्ला शेख वर्सेज स्टेट ऑफ गुजरात इसमें बात की थी डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन की इस केस को ऐसे याद कर सकते हैं डिफेक्टिव मतलब डिफेक्ट क्या जहर हो गया ठीक है किसी चीज़ में कोई दवाई है उसमें डिफेक्ट है तो वो जहर के ज, जैसा हो गया ठीक है तो जहीरा डिफेक्टिव ऐसे याद रहेगा नंदिनी सप्तपदी वर्सेस पी एल दानी इसमें बोला था अ पर्सन हैज़ अ राइट टू प्रोटेक्शन अंडर सेक्शन वन सिक्सटी वन क्लॉस टू ऑफ सी आर पी सी अगेंस्ट क्वेश्चन द आंसर्स ऑफ विच है टेंडेंसी टू अ क्रिमिनल चार्ज ठीक है तो वी आर डन विद दिस ठीक है ऐसे और भी केसेस आते रहेंगे फॉर दैट प्लीज़ लाइक माई वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू सो मच